हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से मॉडल पेपर की। बात करें हम तो सब्जेक्ट है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। यहाँ पर हम मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ले रहे हैं, ठीक है, जो कि पूछे गए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके परीक्षा यानी एग्ज़ाम की, LU की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला है वो 24 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उसमें आपके MCQs पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने के बाद इसमें से जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे उनको लेकर के बहुत जल्द आएंगे। तो एक नज़र हम देख लेते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो ये आपका 80 मार्क्स का पेपर रहता था, समय 3 घंटे था, चूँकि इस बार तो 1 ही घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नोट करके दिया है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न कीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें कंपलसरी पार्ट की, जो कि है शॉर्ट नोट्स पे। तो पहला है शॉर्ट नोट्स, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। दूसरा है प्रयोगात्मक विधि के गुण दोष। थर्ड क्वेश्चन है अधिगम का स्वरूप, यानी प्रकृति को एक्सप्लेन करना है, नेचर को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। फिफ्थ क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत की विशेषताएँ। सिक्स क्वेश्चन है बुद्धि के निर्धारक। सेवन्थ क्वेश्चन है SI मॉडल की सीमाएं। एट्थ क्वेश्चन है सामूहिक चर्चा के उद्देश्य। नाइन्थ क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और टेंथ क्वेश्चन है अवलोकन के प्रकार। तो इस तरह से जो भी आपके ये शॉर्ट नोट्स दिए हैं, हम इन्हीं से MCQs लेकर के बहुत जल्द आएंगे। उसके बाद हम शॉर्ट नोट्स देखने के बाद यूनिट वाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट वाइज आपके 4 यूनिट हैं, तो उसमें भी आपके क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उचित उदाहरणों की सहायता से वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। वृद्धि और विकास के बीच अंतर बताइए। ये क्वेश्चन लगभग हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इससे काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यहाँ से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। उसके बाद इसी में आपको यूनिट फर्स्ट में ही आपको और करके या अथवा करके दूसरा क्वेश्चन मिलता है, बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है, व्याख्या कीजिए। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था या किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तो नहीं, पर इन 3 अवस्थाओं में से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से भी MCQs हम लेकर के आएंगे। तो इस तरह से यूनिट फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो कि लगभग आपके हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है यूनिट 2 और इसका क्वेश्चन नंबर है 4। तो यूनिट टू का क्वेश्चन नंबर फोर है, अनुकूलन क्या है, क्लासिकल अनुकूलन एवं सक्रिय अनुकूलन के बीच अंतर को विस्तार सहित बताइए। ये हो गया, इसी में हमारा जो चॉइस वाला होता है पार्ट, यानी अथवा करके 5 है क्वेश्चन नंबर। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या करते हुए आलोचना कीजिए। तो इस तरह से जितने भी आपके जो क्लासिकल हैं और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये जितने भी सिद्धांत वगैरह हैं जिनके द्वारा लाए गए हैं, जो प्रतिपादक हैं, इनसे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर हम बात करें MCQs की, तो वो भी हम बताएंगे बहुत जल्दी। उसके बाद हम अगर बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे अथवा करके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सृजनात्मकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। सृजनात्मकता बढ़ाने की मस्तिष्क उद्वेलन विधि एवं समस्या समाधान विधि का वर्णन कीजिए। तो जो भी यूनिट वाइज चीज़ें हैं और लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं से MCQs आपके बनेंगे, आपको इन्हीं में से MCQs देखने को मिलेंगे।
उसको हम बहुत जल्दी बताएंगे, जैसे कि मैंने बार बार दोहराई है ये चीज़। उसके बाद यूनिट फोर की बात करें तो यूनिट फोर में आपके दो क्वेश्चन रहेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत एवं प्रकाश सिद्धांत की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से जितने भी आपके यूनिट हैं इन सभी से हम MCQs को छाटेंगे, लेकर के आएंगे आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो हम बात करेंगे फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो आपका सब्जेक्ट है उससे हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।